आज की वीडियो में जिस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का हम आपको रिजल्ट शो करने वाले हैं, आपने ऐसा रिजल्ट आज से पहले नहीं देखा होगा और जिस कॉस्ट पे ये ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में जिस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का हम आपको रिजल्ट शो करने वाले हैं, आपने ऐसा रिजल्ट आज से पहले नहीं देखा होगा और जिस कॉस्ट पे ये ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthair.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इससे पहले आप वीडियो में खो जाओ, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की दो ही बेसिक टेक्निक होती है, एक होता है FUT हेयर ट्रांसप्लांटेशन, एक होती है FUE हेयर ट्रांसप्लांट। बट अगर हम बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट में इंडिया में काफी ज्यादा न्यू टेक्निक्स आ चुके हैं। और अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि ज्यादातर टेक्निक्स जो है, जो आज की डेट में आप टेक्निक सुन रहे हो, वो FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ही डिराइव्ड है। मतलब जितनी भी टेक्निक्स आप नई सुनते हो वो सारी की सारी टेक्निक FUE टेक्निक पे ही बेस्ड है। FUE टेक्निक को मॉडिफाइड करने के बाद ही वो टेक्निक्स को डेवलप किया गया। एंड आज की वीडियो में जिस टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी टेक्निक FUE टेक्निक से ही डिराइव्ड है और उसे कहते हैं इंटरलॉकिंग FUE हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक। अब जैसा कि नेम से ही ये FUE से रिलेट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये टेक्निक भी FUE से ही डिराइव्ड है। अब इस टेक्निक को डिस्कस करने से पहले हम पेशेंट की कंडीशन देख लेते हैं। जिन पेशेंट का इस टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ था आज से लगभग 8 महीने पहले, आप बिफोर द सर्जरी की कंडीशन देख सकते हैं। फ्रंटल हेयर लॉस इनको हो चुका था, फ्रंटल हेयर लाइन से लेके मिड स्कैल्प तक इनकी काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका था और बीच में एग्जिस्टिंग हेयर आप जो देख रहे हो वो अवेलेबल थे। पेशेंट वॉज फ्रॉम राजस्थान से थे पेशेंट एंड इनकी एज अराउंड 30 ईयर ओल्ड थी। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा इनको हो चुका था। इन पेशेंट के केस में सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क ये था कि इनका जो हेयर लॉस हुआ था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया था, मतलब पैच क्रिएट नहीं हुआ था, बीच में एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी भी थी। और इस केस में इनका जो ट्रांसप्लांटेशन करा जाना था इस हिसाब से करा जाना था कि इनके एग्जिस्टिंग हेयर भी डैमेज नहीं हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बट ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन इस केस में भी पॉसिबल होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। फाइनली इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर के बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनकी पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। सिर्फ एक दिन में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ, इंटरलॉकिंग FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब बेसिकली आप सोच रहे होंगे इंटरलॉकिंग टेक्निक में ऐसा क्या होता है कि ये एक FUE का मॉडिफाइड वर्जन है। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म होता है वो FUE हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसा ही होता है। पीछे से आपके ग्राफ्ट्स को निकाला जाता है, आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है आपके रेसिपिएंट एरिया में। बट फर्क बेसिक FUE और इंटरलॉकिंग FUE में इम्प्लांटेशन का होता है, दैट्स इट। मतलब इम्प्लांटेशन करे जाने के तरीके का डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक FUE में और इंटरलॉकिंग FUE में। अब जैसे कि बेसिक FUE टेक्निक में जो आजकल काफी ज्यादा क्लिनिक्स में हो रहा है, उसमें होता क्या है, आपके ग्राफ्ट को इम्प्लांट करते समय उनको पैरेलली इम्प्लांट कर दिया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं पैरेलली ग्राफ्ट को इम्प्लांट कर दिया जाता है। ऑल दो बेसिक FUE में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपके ग्राफ्ट को अगर पैरेलली इनको इम्प्लांट किया जाए, सीरियली इम्प्लांट किया जाए, तो बीच में गैप्स दिखने लगते हैं और उन गैप्स की वजह से जब ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ जाता है तो वहां पे डेंसिटी कम लगने लगती है। वेयर एज इन द केस ऑफ इंटरलॉकिंग FUE ट्रांसप्लांटेशन आपके ग्राफ्ट को पैरेलली इम्प्लांट नहीं किया जाता, इसमें जो रिसिपिएंट साइट्स बनाई जाती है वो इंटरलॉकिंग तरीके से बनाई जाती है, उनको इंटरलॉक्ड कर दिया जाता है। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हो, बेसिकली होता क्या है, जब ग्राफ्ट को इंटरलॉक्ड कर दिया जाता है तो बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है और इसकी जो डेंसिटी होती है, जो अपीयरेंस होती है, वो काफी ज्यादा डेंस होती है। और फाइनली जो इल्यूजन क्रिएट होता है जब आपका रिजल्ट आने लगता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है। ऑल्दो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स तो सेम ही होते हैं, सपोज 500 ग्राफ्ट्स आपके बेसिक FUE टेक्निक से लगाए गए और 500 ग्राफ्ट आपके इंटरलॉकिंग FUE टेक्निक से लगाए गए, दोनों में जो रिजल्ट होगा उसमें 5-10% का फर्क होगा। मतलब ग्राफ्स तो हो सकता है 500 ग्राफ्स इसमें भी ग्रो करें बेसिक FUE में, 500 ग्राफ्स आपके इंटरलॉकिंग FUE में भी ग्रो करें, लेकिन जो अपीयरेंस होगा वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है और जो रिजल्ट होता है उसमें डेंसिटी का फर्क आपको दिखने लगता है, जैसे कि आप इन पेशेंट की कंडीशन में आगे जाके देखने वाले हो। अब अगर हम बात करें आफ्टर 3 मंथ की कंडीशन के बारे में, पेशेंट की 3 महीने बाद की कैसी कंडीशन थी, तो आप देख सकते हैं इनके हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हो सकता है आपको जो हेयर की क्वालिटी लग रही
रही होगी, बहुत खराब लग रही होगी, काफी लोगों को कर्ली हेयर भी लग रहे होंगे। एक्चुअली जब हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होता है शेडिंग फेज के बाद, तो इनिशियली उनका टेक्सचर बहुत वियर्ड लगता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है, जैसे आपके हाथों के बाल होते हैं या फिर बहुत थिन टेक्सचर के हेयर होते हैं इनिशियली जब ग्रो करते हैं। बाय द टाइम जो यू नो थिकनेस होती है वो बढ़ने लगती है और जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है। एंड अगर हम ट्रांसप्लांटेशन के 3 महीने बाद की बात करें तो ये काफी ज्यादा डिमोटिवेटिंग फेज भी होता है। आपको अपनी ग्रोथ किसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करनी अंटिल 4 to 5 months, क्योंकि काफी लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं, उन्हें लगता है 3 महीने में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए थे कुछ पेशेंट के, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो आपको अपनी ग्रोथ को कंपेयर नहीं करना, रिजल्ट्स आप देखो लेकिन कंपेरिजन मत करो, क्योंकि हो सकता है आप अपनी ग्रोथ को कंपेयर करने के बाद डिमोटिवेट हो जाओ। 3 महीने में रिजल्ट आना जस्ट स्टार्ट होता है, असली रिजल्ट 4 से 6 महीने में आना स्टार्ट होता है। अब अगर बात करें फाइनल रिजल्ट के बारे में पेशेंट के 6 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं अब आपको परफेक्ट रिजल्ट दिख रहा होगा। अगर आप कंपेयर करो 3 महीने के हिसाब से, तो अब आपको डेंसिटी बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत यूनिफॉर्म डेंसिटी है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, फॉर द बेटर प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ इंटरलॉकिंग FUE इज यूज। आज की डेट में बहुत ज्यादा क्लिनिक्स में इंटरलॉकिंग FUE यूज हो रही है, ऑल्दो क्लिनिक की तरफ से आपको नहीं बताया गया कि इंटरलॉकिंग यूज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्लिनिक्स में इंटरलॉकिंग FUE टेक्निक यूज होती है एंड इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल आता है। अगर हम बात करें पेशेंट की, तो इन्होंने सिर्फ 20 rupees पर ग्राफ्ट में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया एंड सिर्फ 6 महीने में आप रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल आया है, बहुत परफेक्ट इनकी हेयरलाइन लग रही है, कोई देख के डिटेक्ट नहीं कर सकता इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेयरलाइन ही होती है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये चीज डिस्कस करता रहता हूँ। अगर हेयरलाइन आर्टिफिशियल आए तो रिजल्ट बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। अब जैसे कि अपने चैनल में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भी शो कर रहे हैं जो बेसिक FUE टेक्निक्स हुए हैं, उनका रिजल्ट बहुत वंडरफुल आया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बजट ज्यादा नहीं और आप बेसिक FUE से ट्रांसप्लांटेशन करवा लो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। बेसिक FUE टेक्निक से भी ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट 100% आता है, क्योंकि जितनी भी ये मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं आज के डेट में, आप कोई भी कह लो, इनका जो बेसिक टेक्निक है वो FUE टेक्निक ही है, सारी टेक्निक्स ऑलमोस्ट FUE टेक्निक से ही डिराइव्ड हुई है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोज आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।